हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2023 के लिए सोशल साइंस का बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से केवल आपको 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए आपको कितना याद है, इससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी का पता चल जाएगा कि आप कितना तैयार हैं। यदि आपको जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसको आप याद कर सकते हैं, अन्यथा आप देखते जाइए और कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आशा करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर याद होगा। ठीक है, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए नंबर में दिया है मोतीलाल घोष, बी नंबर में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद, सी नंबर में दिया है राजा राम मोहन राय और डी नंबर में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मराठा समाचार पत्र का पत्र किस भाषा में संबंधित था, यानी मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र जो था वो किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, मराठी। तो इसका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए तीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। यानी नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किन का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, ए नंबर में दिया है पांचवें, चौथे और सी नंबर में दिया है पहले और डी नंबर में दिया है दसवें। तो तीन का क्या हो जाएगा, दसवें। सिखों के दसवें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। आगे देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, पृथक हुआ का मतलब होता है अलग हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, पृथक हुआ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अलग हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1912, ऑप्शन नंबर बी में 1936, ऑप्शन नंबर सी में 1928 और ऑप्शन नंबर डी में 1940 दिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1912 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका 12 सही है। अब इसको देख लीजिए, इसका 12 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1912। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है पाँच नंबर में बोला जा रहा है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डच, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी में पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांसीसी। तो पाँचवा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाँचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली नागरिक आए थे भारत में आने वाले व्यापारी थे। ठीक है, प्रथम व्यापारी यानी अलग देशों से आए थे। छः नंबर में दिया गया है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब किया गया था, कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 1965, ऑप्शन नंबर बी में 1969, ऑप्शन नंबर सी में 1970 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1975। तो छः का उत्तर क्या हो जाएगा, छः का हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन में दिया गया है सात नंबर में, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी में यमुना, ऑप्शन नंबर सी में रावी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिंधु। तो सात का उत्तर क्या हो जाएगा, सात का हो जाएगा रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर में क्या कह रहा है, आठ नंबर में दिया गया है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेना का उपनाम क्या था, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेताजी, ऑप्शन नंबर बी में मास्टर दा और ऑप्शन नंबर सी में दिया है सरदार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मुखिया। तो आठ का क्या हो जाएगा, आठ का ऑप्शन नंबर बी सही है, मास्टर दा। नौ नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सदिया से धुबरी तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोल्लम से
कोट्टापुरम तक, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आंसर बी सही है। ठीक है, यदि आपको याद नहीं होगा तो इसको याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए नंबर में पेट्रोल रसायन, पेट्रोल रसायन। बी नंबर में लौह इस्पात। सी नंबर में क्या दिया है, सी नंबर में दिया है चीनी उद्योग। और डी नंबर में दिया है चितरंजन लोकोमोटिव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, जिसको उपभोक्ता यानी हम लोग खरीद कर खा सकते हैं, उपभोक्ता उद्योग। आइए अगला नंबर 11 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर में दिया गया है गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी असम, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या बोला गया है, 12 नंबर में देखते हैं क्या कहा गया है। 12 नंबर में देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रियो डी जनेरियो। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जोहान्सबर्ग में, और ऑप्शन नंबर सी में न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टोक्यो में। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है 13 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल किसे कहते हैं, जो बारिश के मौसम में उगाया जाता है, और रबी फसल जो जाड़े का मौसम में उगाया जाता है। इसमें बोला है खरीफ यानी बरसात के मौसम में उगाया जाने वाला। इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए में गेहूं, ऑप्शन नंबर बी में चना, ऑप्शन नंबर सी में मटर, और ऑप्शन नंबर डी में कपास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी। 13 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। बरसात के मौसम में जो उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और जाड़े का मौसम में जो उगाया जाता है वो उसको क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। तो गेहूं तो जाड़े का मौसम में उगाया जाता है, चना भी जाड़े का मौसम में उगाया जाता है, मटर भी आप देख सकते हैं अभी बाजार में मटर मिल रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सब रबी फसल हो जाएंगे, और कपास जो है वो क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। आइए 14 नंबर में देखते हैं, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में दादा भाई नेहरू जी, और ऑप्शन नंबर डी में लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पंडित नेहरू ने कहा था, बांधों को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। 15 नंबर में देखते हैं मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 का सही उत्तर क्या है, राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 16 नंबर में कहा गया है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर बी में पूर्व रेलवे, ऑप्शन नंबर सी में मध्य रेलवे, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर, 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कौन रेलवे, मध्य रेलवे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 16 का ना देख रहे थे, 16 का भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है, क्या उत्तर पूर्वी रेलवे सबसे छोटा रेलवे, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, 17 नंबर का देख लेते हैं, 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 17 नंबर में लिखा गया है निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरकार, ऑप्शन नंबर बी में न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी में राजनीतिक दल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संविधान। तो 17 का क्या है, 17 का सही है राजनीतिक दल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1925, ऑप्शन नंबर बी में 1964, ऑप्शन नंबर सी में 1984, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1999। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है,
इसका हो जाएगा 1925। आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर में, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ऑप्शन नंबर ए में अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी में रूसो और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हीगल। तो इसका सही उत्तर क्या है, 19 का सही उत्तर है अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। 20 नंबर, भारत में कौन शासन प्रणाली है, भारत में अभी कौन शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए में अध्यक्षीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में राजशाही व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में तानाशाही व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी में संसदीय व्यवस्था। तो 20 का क्या सही उत्तर होगा, आप बता सकते हैं, इसका डी सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर डी है, संसदीय व्यवस्था है भारत में अभी। 21 नंबर में, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है, भारत में वोट देने के लिए कम से कम कितना आयु चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 16, ऑप्शन नंबर बी में 18, ऑप्शन नंबर सी में 21 और ऑप्शन नंबर डी में यह है 25 वर्ष। इसका सही उत्तर आप सभी को याद होगा, 18 वर्ष चाहिए भारत में वोट देने के लिए, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो 18 वर्ष। 22 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती। ऑप्शन नंबर ए में अफसरशाही और बी में दिया है अशिक्षा, सी नंबर में दिया है जातिवाद और डी नंबर में दिया है इनमें से सभी। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का डी है, इनमें से सभी है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। 1975 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 1980, ऑप्शन नंबर सी में 1985, ऑप्शन नंबर डी में 1990। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1975 में हुआ था भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। 24 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, जहाँ सुनामी आता रहता है वहाँ पे मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सागर तट के निकट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सागर तट से दूर और ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैग्रोव वन में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का बी सही है, सागर तट से दूर करना चाहिए, जहाँ हमेशा सुनामी आते रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग को मकान कहाँ बनाना चाहिए, सागर तट से दूर बनाना चाहिए। 25 नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निजी लाभ, ऑप्शन नंबर बी में मूल्यतंत्र, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक कल्याण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यदि याद होगा तो बहुत अच्छा, याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26 नंबर, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी में समावेशी विकास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का उत्तर सी सही है, समावेशी विकास। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए में चेक, ऑप्शन नंबर बी में बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है करेंसी नोट। तो इसका सही उत्तर क्या है, 27 का ऑप्शन नंबर सी है, डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, डेबिट कार्ड जो ATM होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी में कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी में औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, 29 का सही उत्तर बी सही है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर में देखते हैं, 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 30 नंबर में दिया गया है रूस की मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिनार, ऑप्शन नंबर बी में रियाल, ऑप्शन नंबर सी में रूबल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टका। तो 30 का क्या है, 30 का सही उत्तर है सी रूबल, रूस का मुद्रा क्या है, रूबल है, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है साख का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर में विश्वास, ऑप्शन नंबर सी में बचत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है निवेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपभोग। तो इसका सही उत्तर क्या है, 31 का हो जाएगा विश्वास, साख का आधार क्या है, विश्वास, विश्वास पर ही साख बनता है।
बत्तीस नंबर क्वेश्चन, बत्तीस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। ऑप्शन नंबर ए में सेवा प्रदाता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी में उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी में दुकानदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता खरीदता है वस्तुओं को, कौन खरीदता है, उपभोक्ता खरीदता है। ठीक है, बत्तीस का ऑप्शन नंबर सी सही है। तैंतीस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तैंतीस नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तैंतीस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए में 1933, ऑप्शन नंबर बी में 1947, ऑप्शन नंबर सी में 1950 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1953। तो 33 का सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर डी है, 33 का सही उत्तर डी है। 34 नंबर पे आते हैं, 34 नंबर पर विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में जल परिवहन, ऑप्शन नंबर बी में रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी में हवाई परिवहन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 34 का क्या है, जल परिवहन, विश्व का प्राचीनतम यानी पुराना परिवहन का साधन क्या है, तो जल परिवहन। जल परिवहन से ही पहले एक देश से दूसरे जगह को सामान को ढोकर ले जाया जाता था। देखिए 35 नंबर में क्या बोल रहा है, 35 नंबर में बोल रहा है मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में गोवा, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। तो 35 का सही उत्तर बी है, 35 का क्या है, गोवा में है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर पे आते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। 36 नंबर में बोला जा रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में केरल, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुजरात। तो 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी से गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी से। आगे देखते हैं 37 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी जमुई और डी में दिया है औरंगाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या है, 37 का सही उत्तर है भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर में बोला जा रहा है जलवेरिन संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए में क्रांतिकारियों से, ऑप्शन नंबर बी में व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर सी में विद्वानों से और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पादरियों से। तो इसका सही उत्तर क्या है, 38 का ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या था, व्यापारी था, ये एक व्यापारी था। 39 नंबर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी में नेपोलियन 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिस्मार्क। तो 39 का आंसर क्या है, बी है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वियना सम्मेलन हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1815, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1848, ऑप्शन नंबर सी में 1870 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1871। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर ए है, 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी जीवों के सड़ने गलने से बना ईंधन। ऑप्शन नंबर ए में कोयला, ऑप्शन नंबर बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में पेट्रोलियम गैस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो ये तीनों क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, सभी जीवों के सड़ने गलने से ही बनते हैं। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए 42 नंबर को देखते हैं, 42 नंबर में बोला जा रहा है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। ऑप्शन नंबर में कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर बी में कैगा, ऑप्शन नंबर सी में नरौरा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तारापुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का भी ऑप्शन नंबर डी सही है, तारापुर में है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 43 नंबर, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में मणिपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है, 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 43 का हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण
मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में दिया गया है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में उर्वरक उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में लौह उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहिएगा कि इतना तेज़ में क्यों बोल रहे हैं? इतना तेज में बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें तो आपको समझने वाला कुछ नहीं है, केवल याद करने वाला है। जहाँ पे समझने वाला होगा वहाँ पे हम खुद ही समझा देंगे। आप फटाफट देखते जाइए आपको कितना याद है और कौन कौन क्वेश्चन आपको याद नहीं है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि 80 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 80 क्वेश्चन में से यदि आप 50 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी आप 40 क्वेश्चन बनाकर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर पे क्या बोला जा रहा है? 45 नंबर में दिया गया है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ऑप्शन नंबर ए में चितरंजन लोकोमोटिव, ऑप्शन नंबर बी में नागापुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, तो 45 का क्या है? 45 का ऑप्शन नंबर सी है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। आइए 46 नंबर को देखते हैं। 46 नंबर में दिया है, सिल्कन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिल्कन शहर भी दे सकता है यहाँ पे, सिल्कन सिटी भी कह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी में बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी में पूना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अहमदाबाद। तो 46 का क्या है? 46 का बी सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिल्कन सिटी यानी सिल्कन शहर के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए में मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी में भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी में बांका और ऑप्शन नंबर डी में बक्सर दिया गया है। तो 47 का ऑप्शन सी सही है, बांका में है। कहाँ है? तो बांका में है। आइए अगला क्वेश्चन, 48 नंबर। 48 नंबर में बोला जा रहा है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्राचीन युग में, ऑप्शन नंबर बी में मध्य युग में, ऑप्शन नंबर सी में आधुनिक युग में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 48 का क्या है? 48 का बी सही है, मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। आइए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? ऑप्शन नंबर ए में मेजनी, ऑप्शन नंबर बी में गैरिवाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में काउंट काबूर और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। 49 का आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा? आप कहेंगे कि इसका सभी आदमी ने इटली के एकीकरण में योगदान दिए थे। तो इसका सही उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर डी है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में एक रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में एक रुपया का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 50 का आप बताइए क्या होगा? 50 का कहेंगे कि सी है, वित्त विभाग जारी करता है। एक रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन, 51 नंबर में, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ऑप्शन नंबर ए में कृषि, ऑप्शन नंबर बी में खनन, ऑप्शन नंबर सी में पशुपालन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो 51 का बताइए क्या होगा? कहेंगे कि इनमें से सभी होगा। 51 का क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर बी में बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी में सिक्के और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 52 का बताइए क्या होगा? 52 का कहेंगे कि बी होगा, बैंक ड्राफ्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में सुविधा होगा। ठीक है, इतना बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। कितना नंबर क्वेश्चन को देखना था हम लोगों को? 53 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में 1990, ऑप्शन नंबर बी में 1992, ऑप्शन नंबर सी में 1995 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1996। तो 93 का सही उत्तर क्या हो जाए? 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे कि 1995 होगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी?
ऑप्शन नंबर ए में 90 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में 121 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में 140 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 150 करोड़। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर होगा 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ थी। अब बढ़ गया होगा इसका जनसंख्या, भारत का जनसंख्या बढ़ गया होगा। अब जब गिनती होगा तो भारत पहले 2 नंबर पर था, तो शायद अब 1 नंबर पर पहुँच ही गया होगा। और ये देखते हैं 55 नंबर, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ISI मार्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हॉल मार्क, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एग मार्क और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मूल मार्क। तो 55 का बताइए क्या होगा, 55 का कहेंगे कि सी होगा। आइए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1954, ऑप्शन नंबर सी में 1956, ऑप्शन नंबर डी में 1960। तो 56 का क्या कहेंगे आप, 1950 में। 57 नंबर, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ऑस्ट्रिया। तो आइए 57 का बोलिए क्या होगा, आप कहेंगे कि 57 का होगा सी ब्रिटेन। 58 का देख लेते हैं, 58 में क्या दिया गया है, 58 में बोला जा रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए में मेजनी, ऑप्शन नंबर बी में लेनिन, ऑप्शन नंबर सी में बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में दिया है गैरिवाल्डी। किसने किया था, तो आप कहेंगे लेनिन ने किया था। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हनोई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नोमपेन, ऑप्शन नंबर सी में बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओटावा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आप कहेंगे कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, सभा आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रॉलेट एक्ट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 60 का कहेंगे कि सी सही है, रॉलेट एक्ट जो क्या है कानून था, इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा आयोजित किया गया था। देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ये एकदम मक्खन टाइप का क्वेश्चन है, ये लगभग सब किसी को याद होगा। तो आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल, पहला नंबर आंसर ही सही है। ठीक है, एकदम मक्खन टाइप का क्वेश्चन है, ये लगभग हर विद्यार्थी को याद होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बारदोली, ऑप्शन नंबर बी में अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी में खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी में चंपारण। तो बताइए 62 का सही उत्तर क्या होगा, कहेंगे बारदोली। ठीक है, 63 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी में हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर सी में जॉन के और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टॉम्स बेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 63 का, तो आप कहेंगे सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 64 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में मुंबई यानी बम्बई, ऑप्शन नंबर डी में पटना। तो 64 का बताइए 64 का क्या होगा, तो कहेंगे कलकत्ता में स्थापित किया गया था। पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 65 नंबर, सुखाड़ का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए में जल का अभाव, ऑप्शन नंबर बी में मिट्टी की नमी का अभाव, ऑप्शन नंबर सी में मिट्टी का क्षय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिट्टी की लवणता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यदि आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर जानते होंगे, क्या होगा, जल का अभाव से ही सूखा पड़ता है, जल का अभाव हो जाएगा। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, समाचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है।
सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी समझते हैं, जो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो देखिएगा पीछे वाले बोगी में एक अधिकारी होता है जो कि एक फ़ोन लिया होता है, उसमें एंटीना टाइप का होता है, उसी को बोला जाता है वॉकी टॉकी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रेडियो। तो 66 का बताइए, 66 का क्या होगा, रेडियो होगा। समाचार का सबसे लोकप्रिय साधन, समाचार का सबसे लोकप्रिय साधन इस समय तो दूरदर्शन है, दूरदर्शन होगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूरदर्शन होगा, पहले के ज़माने में रेडियो था। आइए 64 नंबर देखते हैं, बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी में वर्षा की अधिकता, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। नदी नीचे से भरता जा रहा है, उसकी पेंदी में कचरा इकट्ठा हो रहा है, इससे नदियों में जल धारण करने की क्षमता घट गई है, अधिक वर्षा से भी क्या होता है, अधिक वर्षा से भी बाढ़ आता है, जल की अधिकता से भी जल अधिक हो जाता है तो भी बाढ़ आता है। तो आप समझ गए होंगे ये इनमें क्या तीनों सही है, तो इसमें क्या सभी सही हो जाएगा। आइए 68 नंबर देखते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जहाँ पे हमेशा भूकंप आता है, जहाँ हम लोग को पता है कि हमेशा यहाँ पे भूकंप आता है, वहाँ पे भवनों का आकार कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी में त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी में चौकोर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आयताकार। तो बताइए 68 का क्या होगा, तो आप कहेंगे आयताकार। 69 नंबर में देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र। तो बताइए इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर ए है कर्नाटक। 70 नंबर देखते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी में ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी में लौह अयस्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 70 का भी सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के रेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर में 15, ऑप्शन नंबर बी में 16, ऑप्शन नंबर सी में 18, ऑप्शन नंबर डी में 20। तो बताइए 71 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 18। आइए अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ये तो सब किसी को याद होगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सतलज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 72 का, तो आप कहेंगे कि महानदी पर, हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी पर है। 73 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एनक्रूमा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जनरल पिनोसे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नेल्सन मंडेला, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अब्राहम लिंकन। तो 73 का बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सी होगा, क्या होगा इसका सी होगा। 74 नंबर, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ऑप्शन नंबर ए में 1947, ऑप्शन नंबर बी में 1948, ऑप्शन नंबर सी में 1949, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1950। तो बताइए क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, हम लोगों से एक साल बाद ये आज़ाद हुआ था, श्रीलंका कब हुआ आज़ाद हुआ था, तो 1948 में। 75 नंबर, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी जनता दल यूनाइटेड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारतीय जनता पार्टी। तो 75 का बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जनता दल यूनाइटेड में हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, नगर निगम के आय का स्रोत कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में मकान कर, ऑप्शन नंबर बी में आयकर, ऑप्शन नंबर सी में जल कर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शौचालय कर। तो 76 का कहेंगे जल कर, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, ऑप्शन नंबर ए में ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी में ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन नंबर सी में ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 77 का क्या होगा, 77 का ए होगा। आइए 78 देखते हैं,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है उपराष्ट्रपति। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर तो सी होगा, राष्ट्रपति करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 34, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 42 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 34 में दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दीवानी मामले, ऑप्शन नंबर बी में फौजदारी मामले, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक और दो दोनों और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।